हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटीज पेज वीजा कंसल्टेंट। मैं आपको वेलकम करता हूं एक और एजुकेशन वीडियो के ऊपर जिसमें हम आपको फॉरेन एजुकेशन के बारे में बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी इन चाइना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप चाइना में जाके पढ़ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, किन कोर्सेज का वहाँ पे स्कोप है। मोरओवर हम डॉक्यूमेंट्स को भी देखेंगे, वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डेडलाइंस क्या होती हैं और स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, बात करते हैं कि चाइना आपको क्यों जाना चाहिए, यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसको चूज करते हैं। तो आपको बताता चलूं कि ये एक ग्लोबल कंट्री है, इसका मतलब है कि इसमें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मोर ओवर ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम होता है, IT रिलेटेड बहुत ज्यादा काम होता है, सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज्यादा काम होता है। इस वजह से भी ये कंट्री बहुत बेनिफिशियल है उस स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं और फ्यूचर प्रूफ करियर चाहते हैं। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। मोर ओवर वो QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी आती है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर अफोर्डेबल ट्यूशन फीसेज देखने को मिलती है, अफोर्डेबल स्टूडेंट लिविंग देखने को मिलती है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स भी मौजूद हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से चाइना एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए, क्योंकि यहाँ के वीजा रेशो बहुत अच्छी है, अप टू 100% वीजा रेशो है, एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाता है। मोरओवर देखें तो यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। रैंकिंग्स की बात करें तो यहाँ की यूनिवर्सिटी 17 रैंकिंग से 256 रैंकिंग तक जा रही है, जो यहाँ की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें पेकिंग यूनिवर्सिटी आती है, सिंगवाई यूनिवर्सिटी आ जाती है, जियाजेंग यूनिवर्सिटी आ जाती है, फुदान यूनिवर्सिटी है, शंघाई जियोतोंग यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा बहुत सारी हाईली रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज की बात करें तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स अवेलेबल है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, जिनमें मेडिकल आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाता है, IT आ जाता है, कंप्यूटर साइंस है। मोर ओवर बिजनेस बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं चाइना एक बिजनेस कंट्री है, पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट का एक तरह से यहाँ पर हब है, इस वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक्स बिजनेस इस तरह की फील्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। मोरओवर देखा जाए तो आर्किटेक्चर भी आप पढ़ सकते हैं, लॉ भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैथमेटिक्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स को देखते चलें तो रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा यहाँ टफ नहीं होती, बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि आपको अपने एकेडमिक्स में 50-60% मार्क्स चाहिए होते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। मोरओवर यहाँ पर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, इसका यह मतलब है कि आपको IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन है जहाँ पर आप विदाउट IELTS भी एडमिशन ले सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के अंदर, कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर IELTS की रिक्वायरमेंट रहती है। मोर अगर आप चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं तब आपको HSK 4 रिक्वायर होता है, जो कि चाइनीज की लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है। एडमिशन के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, यानी कि आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपकी CV रिक्वायर होती है, आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स रिक्वायर होती हैं। मोर ओवर आपको आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, यानी अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें तो आपको आपका जो कॉलेज है इंटरमीडिएट का, वहां से आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे। मोरओवर जैसे कि मैंने आपको बताया लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा टफ नहीं है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी शो करा सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन भी चाहिए होता है, यानी कि आपको हेल्थ का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, और लास्ट में आपको आपका स्टडी प्लान रिक्वायर होता है, जिसको मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं। फिर बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, तो स्कॉलरशिप यहाँ पर मल्टीपल अवेलेबल है, यहाँ पर आपको चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, मल्टीपल टाइप्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मोरओवर आपका हॉस्टल भी यहाँ पे फ्री होता है, यानी कि आपके कोई भी हॉस्टल के चार्जेस नहीं होते। इसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो कि 1500 RMB से 4000 RMB तक भी रेंज कर सकता है, और PhD के स्टूडेंट्स के लिए ये 4500 RMB से 5000 RMB तक भी रेंज कर सकता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पे अप्लाई करना, कितना ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं अगर आप चाइना में अप्लाई करते हैं। तो इंटेक्स की बात करें तो यहाँ पर 2 इंटेक्स होते हैं, बट जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है या पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है उनके लिए एक ही मेजर इंटेक होता है, जो कि सितंबर का होता है। उसके लिए एडमिशन्स नवंबर दिसंबर से ओपन हो जाते हैं, फिलहाल भी एडमिशन्स ओपन है, और ये जनवरी फरवरी कुछ यूनिवर्सिटीज के मार्च तक भी ओपन रहते हैं। इसका ये मतलब है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई, दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करेंगे, क्योंकि हम खुद भी इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में बात करते हैं वीजा की रिक्वायरमेंट्स की, तो वीजा के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है थर्ड पार्टी जेरिस के थ्रू, तो उसके अंदर भी आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी चाहिए होता है जिसका आप प्रिंट निकलवा लेते हैं। उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपने अटेस्ट करवाने होते हैं अपने मुतल्लिका इदारों से। मोरओवर आपने अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना होता है, वो भी अटैच करना होता है। इसमें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से JW 201 या 202 फॉर्म दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर स्कॉलरशिप।
और वो भी फिर आप अटैच करेंगे। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर भी होता है, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ देखिए तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, आपका हेल्थ के सर्टिफिकेट भी चाहिए होते हैं। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है जो कि $2,500 ईयरली आपने शो करानी होती है। अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी तब आपको बैंक स्टेटमेंट की उस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट अगर आपके पास पार्शल स्कॉलरशिप है तब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करानी होती है। इसमें आप खुद भी अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करा सकते हैं अगर आपके पास फंड्स हैं, और इसके साथ साथ आपको कोई स्पॉन्सर भी कर सकता है। उस सूरत में आपको FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर होता है और आपके स्पॉन्सर का एफिडेविट भी रिक्वायर होता है। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड की हुई है हमारी चाइना की सीरीज के ऊपर, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जरूर जाके देखें, आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन उससे सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा भी हम चाइना के ऊपर और वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें हम स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप को भी टारगेट करेंगे, मास्टर्स को भी टारगेट करेंगे, PhD के स्टूडेंट्स के लिए भी बात करेंगे। तो आई होप आपको इससे फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि चाइना में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आप भी इंटरेस्टेड है, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको गाइड करेंगे। अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करें ताकि हम आपकी प्रोफाइल की फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करके आपको बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दो शुक्रिया।